नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों, यूपी ट्रिपल एससी भर्ती परीक्षा फिर से कराने की मांग, मामला पहुंचा हाई कोर्ट से लखनऊ डबल बेंच खंडपीठ में। दोस्तों, याची बने हुए व अन्य अभ्यर्थियों को मिल सकता है मौका। दोस्तों, जो मैं बात करने जा रहा हूं यूपी ट्रिपल एससी भर्ती परीक्षा की, सबसे पहले वीडियो को एक लाइक करिएगा, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब दोस्तों ज़रूर कर लीजिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। चलिए दोस्तों, अपडेट की तरफ चलते हैं। यहाँ से देख सकते हैं दोस्तों, पीटी में अव्यवस्था पर आयोग व राज्य सरकार से जवाब तलब। प्रदेश में 15 व 16 अक्टूबर को हुई प्रारंभिक अर्हता परीक्षा में कथित अव्यवस्था का मामला इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ पीठ पहुंच गया। एक स्थानीय वकील ने जनहित याचिका दायर कर परीक्षा ना दे पाए 12,46,000 अभ्यर्थियों की परीक्षा कराने या उनकी फीस लौटाने की गुहार लगाई है। कोर्ट ने मामले में उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग व राज्य सरकार से जवाब मांगा है। मामले की अगली सुनवाई 14 नवंबर को होगी। याचिका का कहना था कि इस बार करीब 37.50 लाख अभ्यर्थियों में से 12.46 लाख अव्यवस्था के कारण परीक्षा में शामिल नहीं हो सके। परीक्षा केंद्र बहुत दूर होने की वजह से भी मुश्किलें आई हैं, यहां तक कि कई को जान गंवानी पड़ी और कई चोटिल भी हुए। याची ने इसकी न्यायिक जांच की भी गुजारिश की है। तो दोस्तों, यह मामला जो है पीटी 2022 का जो है लखनऊ खंडपीठ पहुंच गया है और जल्द ही मैं आप लोग को बता रहा हूं दोस्तों, इसका कुछ ना कुछ निवारण ज़रूर होगा, क्योंकि 12,46,000 अभ्यर्थियों का सवाल है। दोस्तों, रियल और ऑथेंटिक अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। दोस्तों, वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।